बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दारे एकम स्कूल्स वरी टाउन फेस वन। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी जिदनी इल्मा। ओ अल्लाह इंक्रीज मी इन नॉलेज। नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर काउंटडाउन। पेज नंबर 32। राइट डेट एंड डे ऑन योर काउंटडाउन विद योर शार्प पेंसिल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। एडिशन, एडिशन मीन्स प्लस करना, ठीक है। वर्ड शुड बी एडेड, आपने क्वेश्चंस को कैसे ऐड करके सॉल्व करना है, कैसे ऐड करना चाहिए। नाउ हेयर आर सम नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। पिक अ नंबर फ्रॉम द अबव गिवन नंबर्स टू बी एडेड टू गेट द आंसर। वन हैज बीन डन और यू, सॉरी दिस इज फॉर यू। ओके नाउ, अब यहाँ पे टू स्टूडेंट्स हैं, ये टू किड्स हैं, इनके एक गर्ल है और एक बॉय है, इनके पास डिफरेंट नंबर हैं। अब उन नंबर्स को आपने प्लस करना है और ये जो आंसर हैं इनके अकॉर्डिंग आपने इनको प्लस करना है ताकि आपके पास ये आंसर आ जाए। लाइक क्वेश्चन नंबर ए, 22 में जब आप 25 को प्लस करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 47। सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 प्लस 80, जब आप 10 में 80 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 90 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 प्लस, अब आपने 24 में कौन सा ऐसा नंबर प्लस करना है कि आपके पास आंसर 55 आ जाए। जी दैट इज 31 और 24, जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 55 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 70, आपको फर्स्ट बॉक्स जो है वो एम्प्टी है और प्लस 70 मीन्स कि आपने 70 में कोई एक नंबर ऐसा ऐड करना है या प्लस करना है कि उसको प्लस करने के बाद आपके पास आंसर 100 आ जाए। सो दैट इज 30, वो कौन सा नंबर है, 30, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 12, आपको 12 दिया गया है प्लस, अब यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिया गया था, इज इक्वल टू 25। अब 12 में आप कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि वो आंसर आपके पास 25 आ जाए, दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपने इसी तरह से सॉल्व करना है एंड ये सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ 30 प्लस 31 इज इक्वल टू 61। नेक्स्ट नंबर 50 प्लस डैश, अब यहाँ पे कोई नंबर आपको नहीं दिया गया, आपने खुद नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करना है कि 5 में कितने नंबर्स आप और ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 85 आ जाएगा। 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट वन इज 12 प्लस डैश, अब एम्प्टी बॉक्स है, इज इक्वल टू 27। 12 में आप कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 27 आ जाएगा, यस दिस इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 प्लस 75 इज इक्वल टू 145। नेक्स्ट वन इज 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट वन, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22। 12 प्लस 70 इज इक्वल टू 82। 19 प्लस 82 इज इक्वल टू 101। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 75 प्लस 10 इज इक्वल टू 85। 25 प्लस 70 इज इक्वल टू 95। 5 प्लस 22 इज इक्वल टू 27। फ्रेंड्स, आपने ऊपर से नंबर्स को वन बाय वन इनमें प्लस करते जाना है और आंसर आपके पास आते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33 ऑफ योर काउंटडाउन। राइट द सेम डेट एंड डे ऑन दिस पेज। नाउ एडिशन ऑफ 3-डिजिट नंबर्स, नो कन्वर्जन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3-डिजिट नंबर्स को प्लस करना है। रिमेंबर व्हाट इज हेयर, एड वंस, फर्स्ट, टेंस, नेक्स्ट, 100, लास्ट। ये वही चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिमेंबर करने का कहा जाता है कि आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले वंस को, देन टेंस को,
देन 100 को आपने प्लस करना है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए, वंस, टेंस, 100. अब वंस के डिजिट्स से आपने यहाँ से क्वेश्चंस को प्लस करना स्टार्ट करना है. दिस वन एंड दिस 6. 1 + 6 = 7. नाउ हियर 4 + 2 4 आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, देन 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर उन सारी लाइंस को काउंट करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 + 3. अब आपने 4 लाइंस को ड्रॉ किया, देन 3 लाइंस ड्रॉ की. अब उन सारी लाइंस को काउंट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह से सारे सॉल्व होंगे. 2 + 4, फर्स्ट आपने 2 लाइंस ड्रॉ की, देन नेक्स्ट डिजिट इज 4, आपने 4 लाइंस ड्रॉ करनी है. 2 + 4 = 6. 6 + 3 = 9. 5 + 2 = 7. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आप देखें, वंस में 6 और 3 है. 6 + 3 = 9. 3 + 6 = 9 एंड 6. अब 100 में ओनली 1 डिजिट है, 6 के नीचे और कोई नंबर आपको नहीं दिया गया. इट्स मीन 6 में कोई नंबर आपने प्लस नहीं करना, 6 को आपने एज इट इज नीचे राइट कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये तमाम क्वेश्चन आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं. आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू. जजाकल्ला.